मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आज आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब लगभग 15-16 हफ्ते हो गए हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक नए विषय पे बात करते हैं और आपका उत्साह मुझे हर बार प्रेरित करता है कि मैं एक ज्वलंत विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी पितृपक्ष का दौर चल रहा है, हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि इस दौरान आपके पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आप उन्हें खाद्य पदार्थ, बाकी सब चीज़ें और अपने अच्छे विचार और सम्मान देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका भी एक बीच के दौर से वो निकलकर अपने ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो ऐसी ही बात आती है कि क्या पूर्वजों का इतना महत्व है अपने जीवन में? बिल्कुल है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको वैसा ही होना चाहिए जैसे आपके दादा, परदादा, दादा, दादी, नाना, नानी जैसे थे। उनके जैसा ही होना चाहिए, उन्हीं के जैसा आहार, व्यवहार, आचार, विचार होना चाहिए, क्योंकि जो खाने पीने का तरीका है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में आपके जीन्स को भी अफेक्ट करता है। और जो सदियों से आपको जीन्स मिले हैं, जो गुण मिले हैं, वो आपके पूर्वजों से ही मिले हैं। अब बात आती है कि माँ बाप का असर बच्चों पे पड़ता है, पर अब एक चीज़ और आ गई है कि पिछले 2 साल में जब भी मेरे क्लिनिक पे ऐसा नहीं होता था कि माँ बाप आते थे, बच्चा आता था, तो मुझे लगता था कि माँ बाप में से किसी एक को डायबिटीज़ होगा तो वो दिखाने आए हैं। पर आजकल विपरीत हो गया है कि जैसे मैं पूछता हूँ कि हाँ साहब बताइए क्या बीमारी है आपको, तो ऐसा होता है कि वो बच्चे को सामने कर देते हैं। बच्चा कैसा होता है? मोटा बच्चा होता है, उसकी गर्दन काली काली होती है और कहीं ना कहीं उसका मत से आते रहते हैं। और माँ बाप बोलते हैं कि साहब ये मोटा हो गया इसीलिए आपको लेके आए हैं। तो ये बात होती है कि माँ बाप को तो मालूम है कि बच्चा मोटा हो गया, वो मेरे पास लेके आए हैं। फिर हम जो औपचारिक जांचें होती हैं वो करवाते हैं, तो इन 10 में से 4-5 बच्चों में जो HbA1c, आपको मैं हमेशा बताता हूँ ना, 6.5 के ऊपर होता है तो हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये HbA1c जो है ये भी 6.5 से ऊपर आने लगता है। और इन बच्चों में इंसुलिन की मात्रा हम जांच करा के देखते हैं तो वो भी काफ़ी बड़ी हुई होती है। इंसुलिन का कट ऑफ होता है लगभग खाली पेट 10 के आसपास, और इन बच्चों में कितना आ रहा है? 150, 200, 300। तो फिर हम इन बच्चों को क्यूशिंग सिंड्रोम और बाकी बीमारियां भी देखते हैं, पर कोई बीमारी नहीं आ रही, केवल एक ही बीमारी आ रही है, सिंपल ओबेसिटी। तो ये क्या हो रहा है कि देश का भविष्य बीमार हो रहा है? क्योंकि बच्चे तो कल का आगाज है, कल का अक्स है, और इनको ही अगर बीमारी लग गई तो हमारे भविष्य का क्या होगा? जब हम पितृकाल में बात कर रहे हैं ना पूर्वजों की, तो हमारे भविष्य की भी चिंता है, इसीलिए अपन पीछे भी देखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चों का ये विषय हम इसमें विस्तार से बात करें। पर आज का विषय मैंने डॉक्टरी के विषय से थोड़ा सा अलग रखा है, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी मैंने बचपन में होने वाले मोटापे के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। मोटे तौर पे आपको ये बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा मोटा है, तो आप ऐसा करिए कि बच्चे की ऊंचाई नापिए सेंटीमीटर्स में, उसको माइनस कर दीजिए 100 से, तो जो भी फिगर आएगा, मान लीजिए आपके बच्चे की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, तो -100 हो गया तो लगभग 20 किलो, तो 20 से 25 किलो उसका वजन होना चाहिए। मान लीजिए ये वजन 30, 35, 40 किलो आ रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। देखिए मुझे याद है जब मैं भोपाल आया था, 1994 की बात है, हालांकि बहुत लोगों को लगेगा डॉक्टर साहब बोर कर रहे हैं, पर एक प्रासंगिक बात है। तब मेरी ऊंचाई लगभग आज 5-10 है, मैं 18 साल का था जब मैं भोपाल आया था, तो मेरा वजन था 49 kg। तो देखिए एक हेल्दी लोगों का लगभग वजन वैसे ही होता है, उस ऊंचाई पे मेरा वजन ज़्यादा से ज़्यादा 55 किलो रहना था। तो ये दौर अब देखें, अब मेरे पास बच्चे आते हैं इसी उम्र के बच्चे मेरे बराबर ऊंचाई के, लगभग 87 किलो, 88 किलो, 90 किलो। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर उनकी आप गर्दन देखते हो, गर्दन काली काली मिलती है, आप बहुत अच्छे से मुआयना करते हो तो कहीं ना कहीं मस्से भी दिखने लगते हैं। तो ये जो मस्से हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बता रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं कि भाई पेट में धारियां तो नहीं है, बताते हैं कि धारियां आने लगी। कभी कभार ये धारियां जब लाल होने लगती है तब हम कुशिंग सिंड्रोम के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। वैसे ही लड़कियों में क्या होता है कि चेहरे पे कुछ बाल जैसे आने लगते हैं, तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपको PCOD नाम की बीमारी है। पर है तो ये सिंपल ओबेसिटी, सभी को जो हो रहा है वो पिछले 2 साल में जो अंतर आया है उसके कारण हो रहा है। तो
एक बात हो गई कि हम कैसे पहचानें, इसका मैंने एक रफ क्राइटेरिया बता दिया। एक दूसरा क्राइटेरिया है बॉडी मास इंडेक्स। तो बच्चों में हम परसेंटाइल के हिसाब से ओबेसिटी तय करते हैं, तो उसके चार्ट्स आते हैं, उस पर हम चार्ट करते हैं, तो परसेंटाइल 95% से ऊपर होता है तो हम बच्चे को बोलते हैं कि हाँ आप ओबीज हो। 85% के ऊपर होता है तो हम बोलते हैं आप ओवरवेट हो। तो ये इस तरीके से आप अपने बच्चे का पता कर सकते हैं। अब बात आती है ये क्यों हो रहा है, कैसे पहचाने वाली बात तो आ गई, क्यों हो रहा है। तो क्यों होना है कि इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पिछले 2 साल में वैसे तो सामाजिक परिवर्तन आ ही गया है कि बच्चे हमारे बाहर निकलने नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि कहीं कोई खतरा ना हो, कोई उठा ना ले, कोई परेशान ना करे, तो बच्चे घर पे ही खेलते थे। अब पिछले 2 साल में लॉकडाउन लगा, 2-3 बार हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि बच्चे बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हो गया। अब समय कैसे कटता है बच्चों का? बच्चों का समय कटता है टीवी देखने में, बच्चों का समय कटता है मोबाइल खेलने में, कंप्यूटर में, क्योंकि सारी उनकी स्कूल की कक्षाएं भी कंप्यूटर में हो रही हैं, तो वो बैठे बैठे काउच पोटैटो जो कहते हैं ना, वैसा होते जा रहा है और कूलते जा रहे हैं बच्चे। ये जो एक प्रमुख कारण है, ये चीज़ें पहले से आ गई थी, और खान पान में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो पहले नहीं रहती थी। हमें याद है हमारे बचपन में मिठाई, दशहरा, दिवाली क्या खास उत्सवों में बनते थे, पर आप देखिए, आप अगर देखेंगे घर में फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे मिठाई का डब्बा दिख जाएगा, इधर कोने में झांकेंगे तो नमकीन मिल जाएगा, इंदौरी सेव, रतलामी, भुजिया और बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी, मीठे का सेवन भरपूर होने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिसके कारण बच्चे मोटे हो रहे हैं। एक पक्ष और है, माँ बाप के हिसाब से आज बात करने का निर्णय लिया है, तो एक कारण और है कि हमारे हिंदुस्तान में माँ बाप पढ़ाई के लिए जरूर दबाव डालते हैं। हम भी अपने बच्चे पे डालते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करो, कंप्यूटर की क्लास चल रही है तो कंप्यूटर में ही बैठो आप। तो इस कारण क्या हो गया, बच्चों को बैठने की आदत हो गई। और कई बार क्या होता है कि एक शोध में आया कि माँ बाप ने टीवी का टाइम फिक्स कर दिया, ये शोध हुआ था, बाहर हुआ था, तो टीवी का टाइम फिक्स किया, पर टीवी के टाइम में ही उन्होंने ये बताया कि उस जब टीवी का टाइम आएगा तभी आपको भोजन मिलेगा, उसी समय भोजन करते करते आप टीवी देखोगे, कार्टून देखोगे। तो इन बच्चों को माँ बाप के हिसाब से ये बच्चे चलना चालू हुए, फिर धीरे धीरे ये लॉकडाउन और ये दौर आया तो क्या हुआ कि उन्होंने टीवी का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, पर अब उन्हें आदत ये हो गई कि स्क्रीन टाइम में जब भी टीवी के सामने बैठते हैं कुछ ना कुछ चबाना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप ने ऐसी आदत डाली थी। तो इस शोध में यह पाया गया कि इस परिवर्तन के कारण बच्चों में मोटापा आ गया। मैं नहीं कह रहा कि आपके बच्चों में ऐसा हुआ होगा, पर ये देखिए कैसा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो भविष्य निर्धारित करने वाले इसके लिए बहुत ज़्यादा शोध हुए कि मोटापे के लिए कौन जिम्मेदार है। 70 से 80% जवाब आया कि जो मोटा है वो स्वयं जिम्मेदार है। उसके बाद लगभग 50% लोगों ने यह भी लिखा कि माँ बाप भी जिम्मेदार है। फिर बाकी इसमें आया कि खान पान है, आचार व्यवहार है, कसरत की कमी है, ये सब कारण आए। तो देखिए शोधों में भी वही आता है जो आप और हम सोचते हैं, जो आप हम करते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ? मुख्य कारण कहीं ना कहीं बच्चे के जीवन के केंद्र बिंदु या उसके जीवन के फिल्म स्टार्स तो माता पिता ही हैं। तो माता पिता का प्रभाव, उनके आचार व्यवहार, उनके खाने पीने का तरीका कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में आता ही है। इसीलिए इस पीतर काल में मैंने इसको कहा कि इसको फॉरवर्ड गियर में देखा जाए। रिवर्स गियर में तो आप देखोगे तो हम पितरों को सम्मान कर ही रहे हैं, फॉरवर्ड गियर में आपको अपने भविष्य का भी सम्मान करना होगा। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस काल में आप अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चालू करिए और कहीं ना कहीं निवेश करें, क्योंकि देश का भविष्य खतरे में है। मैं आजकल हर महीने 8 से 10 बच्चे ऐसे देख रहा हूँ जिनकी उम्र 10 से 15 साल के आसपास है और जिनको मैं सब कुछ हटाने के बाद टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोसिस बता रहा हूँ और उनका इलाज ऐसे लोगों जैसा कर रहा हूँ, जैसे 40 साल के लोगों का टाइप 2 डायबिटीज का इलाज करते हैं, वैसे इन बच्चों का हो रहा है। तो ये एक शर्मनाक स्थिति है, और प्रायः इसमें से 80 से 90% बच्चे, लगभग हद 100% बच्चे मोटे हैं। अब बात आती है कि हमने पहचान लिया कि मोटापा कैसे देखना है, कारण के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया, अब करना क्या चाहिए? क्योंकि बड़ा आसान है, मैं माँ बाप आते हैं मैं बोलूँगा कि आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही देखिए अब
आप ही को संभालना है, तो ऐसे में काम चलेगा नहीं। क्योंकि जब भी है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो जो उसके निकल कर आता है वो कुछ बहुत अच्छा परिणाम निकल कर नहीं आता। इसलिए करना क्या चाहिए? सर्वप्रथम माँ बाप को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे स्वस्थ हों, क्योंकि देश का कल स्वस्थ नहीं होगा तो फिर तो पंगु हो जाएगा सब कुछ। और हमारे परिवार का भी तो भविष्य है, आपका भी भविष्य है, आपका पूरा जीवन ही बच्चों के आसपास घूमता है, तो उनकी खुशियाँ सर्वोपरि हैं। तो उनको खुश रखने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए क्या कहते हैं कि लीडिंग बाय द एग्जाम्पल। ये जो एक अंग्रेजी की कहावत है ना कि आपको उदाहरण देकर ही सब काम करवाने होंगे, या आपको खुद मिसाल बननी होगी। तो सबसे पहले आप अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन करें, सबसे पहले आप एक्सरसाइज करना चालू करें। देखिए मेरा भी छोटा बच्चा है, लगभग अभी 14 साल का हो गया है, तो पिछले 2 साल में मैंने देखा कि उसकी उम्र रही होगी पहले 11.5 साल, अब वो लगभग 13.5-14 साल का हो गया। इस 2 साल में उसमें भी असर आया, तो उसका हम मैंने क्या परिवर्तन किया? क्योंकि बोलेंगे डॉक्टर साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं फेसबुक में आके, तो देखिए उसका परिवर्तन ये किया कि जो मुझे फेसबुक में फॉलो करते हैं उनको मालूम है मैं दौड़ते भागते रहता हूँ, रोज़ सुबह 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना, या किसी दिन दौड़ के आना, किसी दिन साइकिल चलाना। तो ये चीज़ तो सबसे पहले हमने अपने स्वयं में परिवर्तन किया। खाने पीने में ये परिवर्तन किया कि बहुत कम मात्रा में सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, रात का भोजन और नियमित व्यायाम। फिर धीरे से हमने ये किया कि देखिए बेटा आप, हमारे पापा जा रहे हैं, मम्मी भी जा रही हैं, दोनों मेहनत कर रही हैं, आपको भी करना चाहिए। तो बच्चा भी प्रभावित हुआ। आज मेरा बच्चा, ईश्वर की दया है कि कम से कम वो 20-25 किलोमीटर साइकिल चला लेता है। ठीक है, फिर भी ये होता है कि वो हफ्ते में हर रोज नहीं जाता, पर हफ्ते में अगर 4 से 5 दिन भी चला जाता है तो उसके हफ्ते का जो कोटा है कसरत का, मैंने क्या बताया था, लगभग 150 मिनट वो पूरा हो जाता है। और हर रोज के 10,000 के स्टेप्स ना भी हों तो 7,000 स्टेप एवरेज में हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन आता है लीडिंग बाय द एग्जाम्पल। जब आप अपने बच्चों की प्रेरणा आप खुद बनते हो, आप अपना एक उपाय उनके सामने एक मिसाल रखते हो और वो फॉलो करते हैं। अब बात आती है खाने पीने की। ये क्या होता है कि बच्चों को माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे परेशान ना करें, तो यार बिस्किट ले लो, मैगी बना के खा लो दोपहर में। देखिए मैगी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, नूडल्स बना के खा लो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बात आती है। और फिर बच्चे क्या होता है कि भोजन के अलावा बच्चे को तो हमारे खाना पसंद ही नहीं आता, पर पता चला बहुत गहन विवेचना करी तो बच्चा दिन भर ही कुछ ना कुछ किचन में जाके, कभी वो बिस्किट का पैकेट ले आता है, तो कभी कुछ मीठा ले आता है, तो कभी कुछ नूडल्स बना लिए, तो इस तरह की चीज़ें, नमकीन, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं और वो दिन भर खाते रहते हैं। तो क्या होता है, इससे आपकी जो कैलोरिक इनटेक है वो बहुत बढ़ जाती है। लगभग एक सामान्य इंसान को कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे दिन भर की 1800 किलो कैलोरी, बच्चों की भी लगभग 1500 से 1800 होती है, पर उसको आपको कम करना है अगर आपको मोटापा रोकना है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब बच्चों के साथ भोजन करें, कई बार होता है माँ बाप के पास समय नहीं होता, माँ बाप कोई टीवी देख के भोजन कर रहा है, तो कोई अपना काम करते करते कर रहा है, कोई मोबाइल देखते हुए भोजन कर रहा है, ऐसा भोजन की प्रक्रिया आपको बीमारी की तरफ ले जाती है। सब साथ मिलकर भोजन करें, कम से कम दिन का एक भोजन साथ में हो, तो आपके व्यवहार को भी समझते बनेगा, आप मेहनत कर पाएंगे। और क्या कर सकते हैं? ठीक है, आहार व्यवहार में कर दिया आपने, एक्सरसाइज में परिवर्तन कर लिया आपने, पता भी कर लिया आपका बच्चा मोटा है, और क्या किया जा सकता है? देखिए आज की डेट में मध्यम वर्ग में, खास तौर पे सभी वर्गों का कहूँगा कि सभी चेतना आ चुकी है, बच्चों का पढ़ाई का बड़ा जोर होता है, और पढ़ाई के जोर में सभी के बच्चे ट्यूशन, बहुत ही शुरुआती क्लासेस से ट्यूशन जाने लगते हैं। हमें तो याद ही नहीं हमारे समय ट्यूशन हमने कभी लिया हो, पर अब ये चलन है, समाज का चलन है। तो जब बच्चा होता है स्कूल से आया, अभी तो स्कूल बंद है पर अब बहुत से स्कूल चालू भी हो गए हैं बच्चों के, और आगे जल्दी ही चालू भी हो जाएंगे। दिन भर स्कूल में रहने के बाद जब बच्चा घर आता है तो तुरंत थोड़ा सा नाश्ता किया, जाओ बेटा ट्यूशन जाने का समय आ गया। तो ये ट्यूशन जाना, उसी आपाधापी में बच्चे का पूरा समय निकल जाता है और उसे खेलने कूदने और मनोरंजन का समय नहीं मिलता। जो बाकी समय मिलता है तो माँ बाप भी चाहते हैं कि चलो बेटा हमारे साथ बैठ के टीवी देख लो, या बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। कुछ कुछ माँ बाप का ऐसा भी रहता है बहुत व्यस्त हैं, परेशान हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग है तो उसको मोबाइल दे दिया, तो धीरे धीरे बच्चे ने भी
फिर माँ बाप से वार्तालाप कम करके मोबाइल और उसी पे ध्यान चला जाता है। तो फिर उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज मार खाती है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि कम से कम शुरुआती दौर की क्लासेस में थोड़ा समय निकालें, आप अपने बच्चे को अपने स्वयं पढ़ाएं। अगर हम उनकी कोचिंग खुद करना चालू करें तो शुरुआती दौर की क्लासेस में तो सभी माँ बाप कर सकते हैं, बाद में भी आप करते हैं तो आपसे एक कनेक्ट बनाएगा, आपसे एक रहेगा कि हाँ एक सूत्र जुड़ा रहेगा आपसे बच्चे का, भावनात्मक स्तर पे भी, आध्यात्मिक स्तर पे भी, मानसिक स्तर पे भी, और ये जो पढ़ाई लिखाई वाला स्तर है ना, ये भी एक अलग से सूत्र बनेगा, तो बच्चा आपसे ज़्यादा अच्छे से घुलेगा मिलेगा और आपकी बातों का सम्मान करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि माँ बाप यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, करियर की वजह से, जॉब की वजह से, व्यस्तता की वजह से, पर ये हमें निकालना होगा। अब बात आती है कि ठीक है, हमने बहुत सारे परिवर्तन कर लिए, डॉक्टर साहब मैंने दौड़ना भागना भी चालू कर दिया, खाने पीने का भी परिवर्तन कर दिया, टीवी टाइम कम कर दिया, स्क्रीन टाइम कम कर दिया, मोबाइल भी हम लोग का कोशिश करते हैं कि एक समय बच्चों के साथ हों तो मोबाइल ना उठाएं, और थोड़ी बहुत कोचिंग भी चालू कर दी बच्चों की, जिससे ट्यूशन में आने जाने का जो समय बच्चे का चला जाता था वो समय वो खेलने कूदने में लगा रहा है। तो इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या है कि पूरा जीवन हमारा चलता है परिवार के आसपास, हम परिवार के लिए ही जीते हैं, परिवार के लिए ही सारे काम करते हैं, प्रायः ये सभी के साथ होता है। तो मेरा ये मानना है कि परिवार के लिए आप सामूहिक ऐसी कोई एक्टिविटी प्लान करें, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ में होता है कि सुबह उठ के मंदिर जाना ज़रूरी है, तो उस समय आप अपने बच्चों को भी लेकर जाएं। हफ्ते में आपके पास रोज़ सुबह जाना नहीं हो पा रहा है, हफ्ते में एक बार लेकर जाएं। जैसे अभी हमारे मुस्लिम भाई नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो एक बार मंदिर मस्जिद जाने का समय बच्चे के साथ भी कर लें, उस बहाने पैदल जाइए, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद आपके घर के आसपास भी होते हैं, वहाँ जाइए, तो जिससे बच्चे का कम से कम उस बहाने पैदल चलना भी हो जाएगा और आपका भी एक इमोशनल कनेक्ट मजबूत हो जाएगा बच्चे से, जिससे जब भी कोई आप परिवर्तन चाहेंगे वो मना नहीं करेगा। तो ये भी एक व्यवहारिक तरीका हो गया। हफ्ते में, महीने में एक आध बार कोई ऐसा प्लान कर लीजिए घर के आसपास ही, बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बिना खर्च किए भी भोपाल जैसे शहर में तो पर्यटन के इतने स्थान हैं कि आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कोई ना कोई नया स्थान मिल जाएगा। उस हिसाब से मैं कहूँगा कि भोपाल के लोग बहुत लकी हैं कि उनके उनका शहर बड़ा खूबसूरत है। ऐसे स्थान पे अपने फैमिली के साथ जाएं तो भी, और थोड़ा बहुत कसरत और इस तरह चीज़ों में भी ध्यान दें, कुछ थोड़ा सा दौड़ भाग के जाएं, कहीं किसी दिन आप साइकिल में ही चले जाएं। आजकल आप देख ही रहे ना, रंग बिरंगी साइकिलें कितनी बिक रही हैं, और ये सब साइकिलें लेकर जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी ऐसे प्रयास कर सकते हैं। मैंने अपना अनुभव भी बताया कि कैसे मैंने अपने बच्चे को लाने की कोशिश करी है, वो लड़ाई हमारी अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं कि 100% उपलब्धि किसी भी माँ बाप को नहीं मिलती, पर जो बच्चे का भविष्य सुधरने लगता है जब वो उसका शरीर अच्छा हो जाता है। तो क्यों करें आप ये सब चीज़ें, हम क्यों करें ये? इसलिए करना है कि आपके बच्चे को अगर डायबिटीज़ हो गया तो आज मोटापा है, डायबिटीज़ है, तो शीघ्र आगे चलकर ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल खराब होगा, और भविष्य में ऐसे ही बच्चों को कम उम्र में दिल के दौरे पड़ेंगे, लकवा भी हो सकता है और अन्य बीमारी भी हो सकती है। कोई भी इन बुरी बीमारियों को अपने बच्चों के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहता, इसीलिए आप अपना वर्तमान सुधारिए, भविष्य तो आपको देखकर ही सुधरने लग जाएगा। तो आशा है मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी और इन बातों पे आप गौर करेंगे। सो इस पितृपक्ष के पावन दौर में जब हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, तो उनको याद करते हुए उनकी आहार शैली, उनकी जीवन शैली भी देखिए, उन्होंने किस तरह से आपके लिए समय निकाला था, वैसे ही आप अपने भविष्य के लिए समय निकालें। तो रिवर्स गियर के साथ साथ गाड़ी को फॉरवर्ड गियर में भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि कल का भविष्य तो आपके बच्चे ही हैं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।